हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिरोजपुर कैंट पटना पूजा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की जानकारी के बारे में। दोस्तों, इस ट्रेन का नंबर है 04656। ये ट्रेन जो हफ्ते में एक दिन चलती है, हर शुक्रवार को चलती है फिरोजपुर कैंट जंक्शन और पटना जंक्शन के बीच में। और दोस्तों, ये ट्रेन जो है 23 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगी। ये ट्रेन जो है 1401 किलोमीटर का डिस्टेंस 26 घंटे 25 मिनट में पूरा कर लेती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है 53 किलोमीटर पर आवर। इसके तकरीबन 17 स्टॉप हैं। दोस्तों, बात करें इस ट्रेन के कोच की, तो इस ट्रेन में ICF श्रेणी के कोच दिए गए हैं। इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर और जर्नल की जगह पे सेटिंग सीटिंग के कोच दिए गए हैं। सेकेंड AC का किराया जो है 2705 रुपये, थर्ड AC का 1950 रुपये, स्लीपर का 760 रुपये और सेटिंग सीटिंग का किराया जो है 375 रुपये। दोस्तों, ये किराया फिरोजपुर कैंट जंक्शन और पटना जंक्शन के बीच का है। आगे हम बात करेंगे इस ट्रेन की टाइमिंग के बारे में। दोस्तों, ये ट्रेन जो है फिरोजपुर कैंट जंक्शन से शाम को 7 बजे रवाना होती है पटना जंक्शन के लिए। उसके बाद दोस्तों, कोटकपूरा पहुंचती है शाम को 7:38 पे और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, बठिंडा जंक्शन पे पहुंचती है रात को 8:40 पे और 8:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, रामपुरा पुलिस स्टेशन पे पहुंचती है रात को 9:18 पे और 9:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, बरनाला पहुंचती है रात को 9:50 पे और 9:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, धूरी जंक्शन पे पहुंचती है रात को 10:30 पे और 10:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, पटियाला पहुंचती है रात को 11:18 पे और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, राजपुरा जंक्शन पे पहुंचती है रात को 11:50 पे और 11:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, अम्बाला कैंट जंक्शन पे पहुंचती है रात को 12:30 पे और 12:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 5 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, सहारनपुर जंक्शन पे पहुंचती है रात को 2:25 पे और 2:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, मुरादाबाद जंक्शन पर पहुंचती है सुबह 5:40 पे और 5:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, बरेली जंक्शन पर पहुंचती है सुबह 7:15 पे और 7:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, लखनऊ चारबाग पहुंचती है सुबह 11:10 पे और 11:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, सुल्तानपुर जंक्शन पे पहुंचती है दोपहर को 1:38 पे और 1:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, वाराणसी जंक्शन पे पहुंचती है शाम को 4:30 पे और 4:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंचती है शाम को 5:27 पे और 5:37 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 10 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, बक्सर स्टेशन पर पहुंचती है शाम को 7:10 पे और 7:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, आरा जंक्शन पर पहुंचती है रात को 8:10 पे और 8:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर ट्रेन 2 मिनट रुकती है। उसके बाद दोस्तों, अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचती है पटना जंक्शन पर पहुंचती है रात को 9:25 पे और अपनी 1401 किलोमीटर की यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ट्रेन नंबर 04656 की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ट्रेनों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।